सभा किंवा महापौरांचे नाही आहे, ते सगळे अधिकार आयुक्ताला आहे. म्हणजे एखादा कुठला शिपाईला पण बदली करायचा असेल तर ते अधिकार महापौरांचे नाही आहे. एखादा कुठला शिपाईला 4 दिवस तरी सस्पेंड, तेही अधिकार महापौर किंवा महासभेला नाही आहे. शेवटी महासभेने जर निर्णय घेतला तर तो भावना म्हणून होतो, तो कायदा किंवा त्यामध्ये आयुक्तांनी ते करावंच निलंबन. तसं सांगितलं आपण, वो महासभे की कमिश्नर को उसी दिन लेटर उन्होंने भी दिया और मैंने भी दिया कि ऐसा आप किरण राठौड़ दोषी है कि नहीं दोषी हमको पता नहीं, लेकिन एक अधिकारी ने अपने वरिष्ठ के बारे में इस तरह से रोड पे भाषण करना महानगर पालिका के अपमान की बात है. उस पर पहले तुरंत आप सस्पेंशन की कार्रवाई करो, आप इंक्वायरी करो. किरण दोषी कार्रवाई, किरण राठौड़ को गाली दिया है तो उसको आप फांसी लगाओ, गलत है तो हमारा विषय वो नहीं है. लेकिन इस व्यक्ति ने खुलेआम रोड पे कहा है, नाम के साथ कहा है और ऐसी गालियां दे रहे हैं जो कि हम कोई भी सुन नहीं सकता है. इस प्रकार का उसने गालियां दी, ऐसा भी नहीं कि खाली अपमानजनक बातें की, फिर भी कमिश्नर उस पर मेयर ने लेटर देने के बाद कुछ नहीं किया. एक ही वो अविनाश जाधव के वार्ड में बहुत सारे इलीगल बांधकाम है. पिछले 6 महीने से हम कमिश्नर को बोल रहे हैं कि इलेक्शन के पीरियड के धमाधम लोगों ने मार, और बांधकाम ऐसे नहीं कि 200 फुट 500 फुट 20,000 फुट 30,000 फुट 2,00,000 फुट 40,000 फुट का 50,000 फुट का. कमिश्नर को बार बार बोलने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं कर रहे, ना ही अविनाश जाधव को हटा रहे. बार बार वो लॉलीपॉप दे रही, अच्छा मैं उधर तैना करता हूँ, परवा हन्ना करता हूँ ऐसा उनकी दिशा कर रहा. आज भी उस पर एक पे भी कार्रवाई नहीं हुई. ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा होता है कि वो उसको स्टे बाद में जाके स्टे लेके आता है या हमारे पास आता है. हमने इस बार सभी हमारे नगर सेवक कहा है कि हमारा एजेंडा क्लियर है, शहर में नो इलीगल. हमारी किसी की भी भूमिका इस बार इलीगल को सपोर्ट करने की 1% भी नहीं है और हम ना ही करेंगे. जुने घरों को छोड़ के या कोई गांव के घर है जो उनको छोड़ के हमारी कोई सॉफ्ट कॉर्नर की भूमिका नहीं है. वो चाहे हमारे नगर सेवक में, उदाहरण तो हमारे एक नगर सेवक का रेस्टोरेंट था वो भी तोड़ा, तो हमने उसमें कोई भूमिका नहीं ली. आज क्यों तोड़ा, पहले दिन ही तोड़ा और हमने कमिश्नर को बोला भी नहीं आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने जो किया इलीगल, हम किधर भी इलीगल को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी स्टैंड है और भूमिका है. इस तरह से कमिश्नर ने बार बार बोलने के बाद भी अधिकारी के ऊपर अपमानजनक भाषण करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं. उस वार्ड में 100 से ज़्यादा बड़े बड़े इलीगल काम है जिसके अंदर हमारा क्लियर है कि उसने कम से कम नहीं तो 25-30 करोड़ रुपया बनाया होगा, ऐसा हमारा तो आरोप है अविनाश जाधव पर. ऐसा मैंने कमिश्नर को भी बोला, अगर कमिश्नर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो मेरा तो ये भी मत आप हो सकता है कि आपका भी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर, ये भी मेरा हो सकता है. क्योंकि जब हम आपको बता रहे और आप नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब क्या समझे कि आपका भी इसके अंदर एडजस्टमेंट है क्या. ये हो गया एक इलीगल बांधकाम का विषय. दूसरा तो पत्रकूट आहे हरी भाऊ, ते आपले 5-6 मुद्दे होते. आयुक्ताची तक्रार केली का साहेब तुम्ही? केली, ते तक्रार मंत्रालयात पण केली, मुख्यमंत्र्यांना पण केली. जितने महापुरुषों की जयंती होती है, शासन का धोरण है ये आपको ही पता है और हमारी भावना और श्रद्धा भी है सभी महापुरुषों की. उसकी जयंती महानगर पालिका में पुष्पहार के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते, अभिवादन करते. आज तक कमिश्नर एक भी जगह, जबकि मेयर को बुलाते, सबको आखे गांव सभी कमिश्नर एमएलए को लेटर भेजते कि आपको उपस्थित रहना, और खुद गायब रहते, उनके सिग्नेचर से खुद गायब रहते. मतलब वो निकालते लेटर कि जयंती साजरा करना था, महापौरांचं असते आपण त्या काय म्हणजे उपस्थित राहावं, वो करते. और खुद आज तक एक भी जयंती में क्या करते, कभी उपायुक्त को, कभी सिटी इंजीनियर को, कभी पानी डिपार्टमेंट के, इनको भेज के जयंती. इतना अपमान. ये चीज आज उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की मीटिंग लगाई खुद बाहर, 95 कॉर्पोरेटर और मेयर को बुलाने का और खुद बाहर. इसलिए हमारे कोई नगर सेवक भी नहीं गए, ऐसा नहीं चलेगा. आपने बैठक लगाई, जहां मेयर है तो आपका काम है उपस्थित रहना, क्योंकि मेयर पद में दायरे में उनसे बड़े, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आप वो खुद नहीं आए और मेयर को और उपायुक्त को भेज दे. आज वो भी उन्होंने किया, उसने भी हम लोग उससे खपा है. उसके बाद जो कार्रवाई की वो विषय है. अभी लास्ट की जो आपने कहा महासभा लास्ट में गोंदल था, वो क्या किया, बाजू के दालन में बैठे हुए थे जहाँ अधिकारी बैठते, वहाँ बैठे हुए थे, महासभा में नहीं गए. अशा प्रकार चालला ना तुम्ही इकडे महापालिकेत असतात. ठीक है, पहला सुबह 11 बजे विवेक पंडित से मीटिंग चालू थी, क्योंकि वो आंदोलन का विषय था तो आधा घंटा वो लेट स्वाभाविक था. लेकिन हमारी मीटिंग 11 बजे शुरू हुई, 11:30 बजे खत्म होगी और महासभा खत्म हुई करीबन 1:30 बजे के आसपास. तो उनको जाना चाहिए था, वो 2 घंटे मुझे पता चला कि वो जहाँ अधिकारी बैठते वहीं बैठ के टीवी पे देख रहे थे. ये कौन सा तरीका है कि महासभा के अंदर आप जाते नहीं हो, एक दो बैठक लगाएगी जिसके अंदर आयुक्त तो नहीं आते, तो इतनी मस्ती तो फिर ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है. हमारा अधिकार क्या है हमको अच्छी तरह पता है, किस तरह से करना है वो भी हमको अच्छी तरह से पता है.
जनता को न्याय मिले इसके लिए हमारे कोई व्यक्तिगत काम नहीं है कि जिसके ऊपर हमने ये किया है कि भाई ये मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर ही है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, आज फेयरिंग का विषय हुआ रोड के अंदर, हमने उनको चिल्लाया कि आपने अच्छा काम किया, उसके लिए मैंने उनका अभिनंदन किया जो रोड चौड़े कर, लेकिन क्या किया वो करने के बाद आप कोई भी मेरा वादा को सब वैसे के वैसे ही पड़े हुए, आज तक एक भी राउंड अभी तक तैयार नहीं हुआ। करीबन 2 महीने पहले, दिवाली के पहले हमने तोड़े, 2 महीने हो गए आज उसके। मैं कमिश्नर साहब को ना बाकी जाने दीजिए, जिस रास्ते से रोज आप आते हैं तो ना मैकडोनल्ड उधर का भी सर्कल अभी तक तैयार नहीं हुआ। मतलब आप किस तरह काम, तो बोला टाइम लगता है, बोला काम करने की इच्छा हो तो भाईंदर स्टेशन पे हमने किया ना, रातों रात वहाँ के पिलर थे, रातों रात रिलायंस वाला है, पिलर हटा के सुबह चले गए 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक हमने रास्ता भी बना दिया। मतलब काम इस तरह से अगर इच्छा शक्ति हो तो ये सब होता है। ये वही अधिकारी थे और वही लोग थे कार्रवाई करने वाले, नहीं हुए। आपको बारंबार बोलने के बाद स्वप्निल सावंत भी भ्रष्टाचार में गया इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के, तो जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद आयुक्त का अधिकार था कि पहला इमीडिएटली वहाँ पे अधिकारी दिया कौन सा कंस्ट्रक्शन था उसको डिमोलिश करे, उस एरिया में कौन से इल्लीगल है उसमें डिमोलिशन करे, लेकिन वो भी नहीं। एक चीज़ और जो इन्होंने कहा कि सहायक आयुक्त है, ठीक है मैं मानता हूँ, चलो उनका विषय देना चाहिए, लेकिन जो कह रहे हो सही है, हमने सहायक आयुक्त और 4 मिले, ऐसे मैंने सरकार से भी अपील की है राइटिंग के अंदर कि मीरा भाईंदर को 4 सहायक आयुक्त दे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑफिसर रिटायर हुए, हरिबाबू हो, अजीत पाटिल हो, विजय पाटिल हो, ऐसे बहुत सारे रिटायर हुए, अभी अगले साल और 1-2 रिटायर होंगे। हमारे पास तो मैन पावर ही नहीं है, धीरे धीरे लोक संख्या बढ़ती जा रही है, मैन पावर कम होते जा रहे हैं सीनियर लोग, ये हमारी परिस्थिति है। तो आज ना इलाज, कमिश्नर साहब को पहले भी मेयर मैडम ने भी लेटर दिया, मैंने भी लेटर दिया कि अविनाश जाधव पे कार्रवाई करो और इल्लीगल बांधकाम के ऊपर कार्रवाई करो, ये बार बार करने के बाद नहीं किया। 9 तारीख को मेयर मैडम ने लेटर दिया कि ना इलाज नहीं तो हमको, मेरे को आमदार साहब, मैं और हमारे नगर सेवक आपके दालान के बाहर बैठेंगे। उन्होंने उस लेटर की दखल भी नहीं ली। सर भाई कसं आहे, तुम्ही सामान्य जसे तक्रार जनता सोमवार पर्यंत तुम्ही सगळे नाही केलं तर मग महापालिका तुम्ही आम्ही येणार नाही, तुम्हीच करा। आमची भूमिका आता राहिली आहे पहिला, आता तो अविश्वास हा सगळं सेकंडरी स्टेप आहे, तो आता आम्ही काय आजच सगळं करत नाही ना, की आज ही डायरेक्ट बंद करतो ऐसा नाही आहे। हमने कहा ये टाइम दिया, ये 2 दिन के अंदर सब आप खत्म करो, ये तो ना इलाज इस भूमिका पे हमको जाना पड़ेगा और बाकी विषयों पे खुलासा करो। दूसरा, BSUP के अंदर बहुत सारे घर तोड़े गए, आपको पता है काशी में, उस समय 2 प्रकार के लोगों को शिफ्ट किया, एक ट्रांजिट कैंप में हमने शिफ्ट किया और एक को हमने भाड़े देने का वादा किया कि जो खुद से लेगा उसको भाड़ा देंगे। ये सब लोग हैंड टू माउथ होने झोपड़े में रहने वाले, इनका 1.5-2 साल का भाड़ा बाकी है, ये 1.5-2 साल से उनको भाड़ा भी नहीं दे रहे। और साथ ही साथ उस BSUP योजना के अंदर हमने उनको अनेक बार कहा कि सर इसका बाकी विषय लाइए खत्म कर दे, वो भी उस पर नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने जून महीने की बैठक में कमिश्नर को कहा कि आपने बेघर किया है तो भाड़ा देना अपना फर्ज है, आप इमीडिएटली उनको भाड़ा दीजिए, ऐसा मुख्यमंत्री महोदय ने कमिश्नर साहब को आदेश दिया, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद आचार संहिता लगी, हमने फिर CM साहब ने मेरे सामने इनको फोन किया थे भाड़ा दिया, भाड़ाला आचार संहिता नड़त नहीं, क्योंकि वो रूटीन काम है, अगर भाड़ा लेना देना ये जो है वो पार्ट है, उसमें कोई आचार संहिता नड़ती नहीं है, तो आपका बाकी है तो किसी का पैसा दे रहे हो उससे आचार संहिता का लेना देना नहीं है, फिर भी इन्होंने किया। मतलब मुख्यमंत्री महोदय का भी करने के बाद भी ये नहीं मानते, तो अब इसके आगे हमारे को भी सोचना पड़े। तो ये बात मैंने CM साहब को भी आज राइटिंग के द्वारा सुबह भेजा है, मैं खुद उनसे रात को मैंने फ़ोन लगाया था, वो 11 बजे तक ऑफिस में आए नहीं थे, मैं खुद उनसे आज पर्सनली बात करने वाला हूँ कि अगर इस तरह से अगर आयुक्त को काम करने का है, हम ये नहीं बोल रहे कि आयुक्त को निकालो, लेकिन अगर काम नहीं करने का है तो फिर जगह भी नहीं है। काम करने का है तो आपका स्वागत है, काम नहीं करने का है तो फिर या तो फिर आपके लिए जगह यहाँ पर नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि हमारे अधिकार में होता कि अगर बहुमत से ठहराव लेके भेज सकते तो शायद आज ही भेज देते उधर, लेकिन ये हमारे अधिकार में नहीं है, एक समझ के चलिए। ठहराव करना अलग चीज़ है, अल्टीमेटली डिसीजन वापस सरकार के पास है, लेकिन मुझे अपनी सरकार में भरोसा है ये मिलेगा। लेकिन ये कमिश्नर कर क्यों नहीं रहा है, इसलिए आज राइटिंग में उनको हम दे रहे हैं कि इस तरह से कामकाज करना है, तो हमारी ये भूमिका एकदम स्पष्ट रहेगी
और इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे और लिए हुए जो हमारे पत्र है कमिश्नर को दिए हुए वो भी आपको एक एक कॉपी हम दे रहे हैं। आगे की भूमिका क्या रहेंगी आपकी, आगे की भूमिका क्या रहेंगी आपकी? आपल्याला विधानसभेमध्ये आयुक्तांची वर हक्क भंग आणण्याचा अधिकार आहे, कारण आपण पत्र दिलेलं आहे, रीतसर त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही। वो हक्क भंग में नहीं आता ना, देखो कार्रवाई नहीं होना वो हक्क भंग में नहीं आता है, हक्क भंग के अलग विषय होते हैं। मेहता साहब एक बात बताइए, दो साल पहले सर्विस रोड का काम चालू हुआ, दो साल पहले, अभी सर्विस रोड का काम मेरे ख्याल से 10-15% भी नहीं हुआ रहेगा। बाद में कॉर्नर तोड़ने की प्लानिंग हुई, ये यहाँ पर योजना आयोग कौन चलाते हैं, कैसा चलाते हैं? एक ही रोड को बार बार तोड़ा जाता है, बनाया जाता है, एक ही गटर को बार बार, जबकि आज का विषय अलग है वो, अब आप डेवलपमेंट। सब आगे की भूमिका क्या रहेंगी आपकी कमिश्नर के खिलाफ में? नहीं रहेगी तो सरकार को बोलेंगे ये कमिश्नर निकालो, दूसरा कमिश्नर दो, शहर का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है।